हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा एक की जो आनंदमय गणित की वर्कबुक है उसका सप्ताह 9 के सभी अभ्यास आपको कराएंगे। यहाँ पे पहला अभ्यास दिया गया है, अभ्यास 0.1। देख लेते हैं, घर के पास वाले पेड़ पर टिक का निशान लगाइए। ये घर दिया गया है और इसका पास वाला पेड़, एक पेड़ ये है और एक पेड़ ये है, तो पास वाला पेड़ कौन सा है उस पर हमें टिक का निशान लगाना है। पेड़ के नीचे गिरे आम पर घेरा लगाइए। ये पेड़ है, इसके ऊपर ये आम है और ये नीचे गिरे हैं, यहाँ पे हम घेरा लगा देंगे। बच्चे से दूर उड़ने वाले गुब्बारे में अपनी पसंद का रंग भरिए। ये बच्चे के पास वाला गुब्बारा है, ये दूर वाला है। बच्चे के पास वाली वस्तु पर टिक का निशान लगाइए, सही का निशान। एक पतंग है और एक बॉल है, पास में कौन सी है? बॉल है। जोकर के सिर के ऊपर अपनी पसंद की टोपी बनाइए। ये जोकर है, इसके ऊपर हमने अपनी पसंद की टोपी बना दी। इस तरह की गतिविधियां हैं, छोटे छोटे बच्चों को करने में बहुत अच्छा लगता है। पेड़ से दूर रहने वाले वाहन पर गलत का निशान बनाइए। ये पेड़ से दूर है, ये वाला पास है। ये था पहला अभ्यास। अब बात कर लेते हैं दूसरे अभ्यास की। मेरे बाएँ हाथ पर घेरा लगाइए। एक होता है दायाँ, दायाँ यानी कि राइट, और बायाँ, बायाँ यानी कि लेफ्ट। तो अगर हम देखें, ये बैठा हुआ है तो इसका जो बायाँ हाथ है ये वाला हो जाएगा। एक जैसी दिखने वालों को मिलान करिए। ये देखिए, ये मछली है, इसे मिलान करेंगे हम इसके साथ। ये इल्ली है, इसको मिलान हम इसके साथ कर देंगे। रेलगाड़ी के पीले डिब्बे के आगे के डिब्बे पर घेरा लगाइए और पीछे के डिब्बे पर क्रॉस का निशान लगाइए। रेलगाड़ी के पीला डिब्बा, पीला डब्बा ये है देखिए, कि आगे का डब्बा ये है, इस पर आपको घेरा लगाना है और पीछे के डिब्बर पर क्रॉस का निशान लगाना है। जंगल में जानवरों की रेस हुई, घोड़े के आगे वाले जानवर पर टिक का निशान लगाइए और कछुए के पीछे वाले जानवर पर घेरा लगाइए। घोड़े के आगे जो जानवर है ये चीता है, इस पर हमें सही का निशान लगाना है, और कछुए के पीछे वाले जानवर पर घेरा लगाना है, तो ये कछुए के पीछे वाला जानवर हो जाएगा। अब सप्ताह 9 का अभ्यास 3 कर लेते हैं। खाने की वस्तुओं पर गलत का निशान लगाइए और खेलने की वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। समोसा खाया जाता है तो यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे। खेलने की वस्तु फुटबॉल है तो सही का निशान लगाएंगे। टॉफ़ी खाई जाती है तो गलत का, आइसक्रीम खाई जाती है तो भी गलत का, और खेलने के लिए सही का निशान। दीपक चावल से कंकड़ साफ कर रहा था, कंकड़ पर घेरा लगाइए। ये आपको कंकड़ दिखाई दे रही हैं, इन पे आप घेरा बना सकते हैं। दिए गए गुड़ियाओं के चित्रों को छोटे से बड़े क्रम के विकल्प पर गलत का निशान लगाइए। दिए गए गुड़ियाओं के चित्र को छोटे से बड़े क्रम के विकल्प पर गलत का निशान लगाइए। छोटे से बड़े पे देखो, ये बड़ा है, बड़े से छोटा हो रहा है। यहाँ पे तो पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, तो छोटे से बड़ा क्रम ये रहा, तो यहाँ पे आपका गलत का निशान आ जाएगा। कुछ गोलाकार आकृतियों को घटते क्रम में स्वयं से बनाइए। मान लिया हमने बोल लिया, अब इसको घटते हुए क्रम में बनाना है आपको। ऐसे बच्चों से बनवा सकते हैं, ठीक है, और भी आप कुछ और भी बना सकते हैं। अब सप्ताह 9 का ही हमारा जो था, 3 अभ्यास हम कर चुके हैं। यह है चौथा अभ्यास, प्रक्रियात्मक प्रभाव। अलग प्रकार की वस्तुओं को पहचान कर घेरा लगाइए। ये रोटी है, ये पत्थर है, ये लैमचूस है, सॉरी, ये रोटी है, ये पूरी है, ये लैमचूस है, ब्रेड है और बेलन है। बाकी सभी खाने की वस्तुएं हैं और ये बेलने का काम आता है। टमाटर, लौकी, कद्दू, लीची, करेला। लीची फल है, बाकी सभी सब्जियां हैं। एक ऐसी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाइए। एक जैसी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जैसे समोसा, फोन, ये चिप्स टाइप के कुछ हैं, आइसक्रीम, टॉफ़ी। तो एक जैसी वस्तु पर आपको क्रॉस के निशान लगाने हैं। देख सकते हैं आप एक जैसी वस्तुएं क्या हैं, जैसे ये है गोल, एक जैसी है ना थोड़ा सा, तो इसके साथ यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा सकते हैं।
ये तिकोना है, तो यहाँ पे टॉफी के जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, पेंसिल और ये फिटी हो जाएगी, इसके जैसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसके जैसा भी नहीं, इसके जैसा भी नहीं। फ़ोन को हम इसकी तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने सीख लिया है, चित्र दिखाकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कक्षा के दरवाजे से दूर और शिक्षक के पास वाले बच्चे पर घेरा लगाइए। कक्षा के दरवाजे से दूर ये है और शिक्षक के पास भी यही है, तो यहाँ पे घेरा लगा देंगे। शिक्षक की टेबल के ऊपर वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए, ये शिक्षक की टेबल के ऊपर है। शिक्षक की टेबल के नीचे वाली वस्तुएं ये हैं, यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दादी के दाएं वाले बच्चे पर घेरा लगाइए। दादी ये है और दादी का दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला, तो यहाँ पे आपको घेरा लगाना है। पेड़ के पीछे छुपी बच्ची पर स्टार का निशान लगाइए, ये आप स्टार का निशान लगा देंगे। हरा शर्ट पहने बच्चे के आगे वाले बच्चे पर क्रॉस का निशान लगाइए, ये वाला हरा है, तो ये आप। दादी के बाएं वाले बच्चे पर प्लस का निशान लगाइए। दिए गए चित्रों में खाने वाली वस्तुओं पर घेरा लगाइए और बढ़ते क्रम पर सही का निशान लगाइए। खाने वाली वस्तुएं सारी ही हैं ये, तो हमें खाने वाली वस्तुओं पर, सॉरी बोल भी हैं इसमें, खाने वाली वस्तुओं पर हमें घेरा लगाना है। ये खाने की वस्तु है, ये भी खाने की वस्तु है, ये भी खाने की वस्तु है। बॉल खाया नहीं जाता, बटर नहीं खाया जाता, फुटबॉल नहीं खाया जाता, और ये खाने की वस्तु हो जाएगी, ये खाने की वस्तु हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब इन्होंने कहा बढ़ते हुए क्रम पर, तो नीचे वाला बढ़ता हुआ क्रम है, तो सही का निशान आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं साप्ताहिक पुनरावृत्ति की। सप्ताह 9 के अंदर ही मेज पर रखे हुए गुलदस्ते को पेंसिल से रंगे। ये मेज पर रखा हुआ गुलदस्ता है, तो इसे हम पेंसिल से रंग भर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी रंग इसमें भर सकते हैं। फूल के पास वाले तितली पर सही का निशान लगाइए। कछुए के आगे वाले जानवर पर घेरा बनाइए। कछुए का आगे कौन है? खरगोश। तितली के दाएं वाले कीड़े पर सही का निशान और तितली के बाएं वाले कीड़े पर गलत का निशान। तितली का बायां वाला कीड़ा ये है और ये चींटी सही वाला है। छोटे से बड़े क्रम वाले गेंद के चित्र पर सही का निशान लगाइए। छोटे से बड़ा क्रम ये है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।